राजस्थान की धरती सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर होगी अब हमारी नजर। आप देख रहे हैं राजस्थान खबरें, आवाज राजस्थान की। जयपुर में फिर सक्रिय हुआ आनंदपाल गैंग। आनंदपाल की मौत के बाद अब गैंग को आनंदपाल का भाई मंजीत सिंह लीड कर रहा है। राजधानी जयपुर में एक बार फिर से कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल का गैंग सक्रिय होने लगा है। आनंदपाल की मौत के बाद अब गैंग को आनंदपाल का भाई मंजीत सिंह लीड कर रहा है। शुक्रवार शाम जब जयपुर पुलिस को आनंदपाल के भाई मंजीत पाल सिंह और उसके साथियों के जयपुर में होने की सूचना मिली तो झोटवाड़ा, करधनी, मुरलीपुर और कालवाड़ थाना पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मांचव स्थित सुशांत सिटी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में दबिश दी। दबिश के दौरान मौके पर नागौर जिले के जसवंतगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर मंजीत पाल सिंह, संजय पांडे, सुरजीत सिंह, आशुतोष सिंह, शिवराज सिंह, अभिषेक सिंह, किशन सिंह और झगड़जीत सिंह मिले, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि आनंदपाल के भाई और उसके गिरोह के सदस्यों के जयपुर में होने की सूचना पर जब पुलिस ने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर स्थित फ्लैट पर दबिश दी तो यह पाया गया कि मंजीत पाल सिंह अपने साथियों के साथ उस फ्लैट में रह रहा है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए दो प्राइवेट गनमैन भी रखे हुए हैं। इसके साथ ही अपार्टमेंट में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखने के लिए गिरोह के एक सदस्य को अपार्टमेंट की एंट्रेंस पर वॉकी टॉकी देकर बिठा रखा है, जो हर आने जाने वाले की खबर वॉकी टॉकी से मंजीत पाल सिंह तक पहुंचाता है। मंजीत पाल सिंह और उसके गिरोह के सदस्य सतर्क हो जाते हैं। पुलिस ने जब फ्लैट की तलाशी ली तो आशुतोष सिंह और झगड़जीत सिंह के पास से दो हथियार और कारतूस बरामद हुए। इसके संबंध में जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने उक्त हथियार लाइसेंसी होना बताया। जब पुलिस ने लाइसेंस के संबंध में दोनों से पूछताछ की तो दोनों व्यक्ति पुलिस से झगड़ने लगे, जिस पर उन्हें मौके पर गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने संदिग्ध पाए जाने पर मंजीत पाल सिंह सहित उसके अन्य साथियों से पूछताछ कर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया।